गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन की 86 में। आज मैं आपका जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को और कैसे याद करते हैं उसके ट्रिक्स को। ठीक है, वो अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग था हमारा, और आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर से रिलेटेड और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नंबर से रिलेटेड और अल्फाबेट से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो पार्ट टू है ये वीडियो, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। बहुत अच्छे से बहुत एग्जांपल बताया है और कुछ ट्रिक है और कुछ आइडियाज दिया है मैंने इस वीडियो में, ताकि आपको बहुत ही ईजी वे में ये चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि इस चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से, मैं बता दूं आपको कि कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसलिए होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये आपके या बैंक की बात कर लो, या एसएससी की बात कर लो, या रेलवे की एग्जाम की बात कर लो। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन होते ही होते हैं। या तो कोडिंग डिकोडिंग का नंबर वाला पैटर्न नंबर वाला हो, ठीक है, या अल्फाबेट्स वाला हो, या फिर लेटर वाला हो, ठीक है, या तो फिर मिक्स हो। मिक्स बोले तो नंबर और अल्फाबेट्स के मिक्स वाले क्वेश्चंस होंगे, या लेटर्स से रिलेटेड, मतलब कि कुछ आपको एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी, जो तीसरे पार्ट में वीडियो है हमारा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से जो हमारा चैनल है एजुकेशन की 86, इसे आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो ला कर देते रहें, आप अपने पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। तो चलिए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एजुकेशन की 86 से। ठीक है, देखिए पहले तो ये क्वेश्चन है, मैं जो लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसे ट्राई खुद से कीजिएगा पहले। तो देखिए, मैं वैसे बताता हूँ आपको, एग्जाम, ठीक है, एग्जाम को कोड किया है ने FYBN से, यानी कि ये जो है अल्फाबेट से अल्फाबेट कोडिंग है। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया था अल्फाबेट से अल्फाबेट कोडिंग है, तो इसको कोड करने, इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि इसके नीचे FYBN ये कोडेड है इनसे, तो पूछ रहा है कि जो रिजल्ट है RESULT, इसको कोड करने के लिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसकी कोड जो होगा वो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को पहले समझना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देखिए, इस पैटर्न को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ही रिलेटेड करके इसके आंसर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इसके नंबर ऑफ पोजिशन याद कर ले और उसके ऑपोजिट्स याद कर ले, याद क्या कर ले, मैंने समझा दिया था कि कैसे उसे याद करना है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि ई के बाद आया एफ। ठीक है, ई को कोड किया इनने एफ से, यानी कि +1 का इजाफा हो रहा है इस कोड में। एक्स के साथ भी वही हो रहा है, +1 जा रहा है, ए के साथ भी वही हो रहा है, +1 जा रहा है, और एम के बाद भी वही हो रहा है, +1 आ रहा है, यानी कि जो है ये प्रोसेस है, ये +1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसके बाद के लेटर आ रहे हैं, ई के बाद एफ, एक्स के बाद वाई, ए के बाद बी और एम के बाद एन। ठीक है, तो इसी तरह इसके आंसर के लिए ये देखिए, आर के बाद आ जाएगा एस, ई के बाद आ जाएगा एफ, एस के बाद आ जाएगा टी, यू के बाद आ जाएगा वी, एल एम टी यू। तो देखो ये सब +1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इजी नहीं है जब तक आप ये पैटर्न जानोगे नहीं कि कैसे हो रहा है और मतलब किस प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका
ये आंसर हो जाएगा आपका एस एफ टी वी एम और यू, इसका कोडेड वर्ड हो जाएगा ये, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आगे हम बात करेंगे नंबर कोडिंग की। नंबर कोडिंग यानी संख्या कूट लेखन, ये एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये तीन तरह के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। पहला अल्फाबेट से रिलेटेड होता है, दूसरा नंबर से रिलेटेड, और तीसरा जो होगा वो लेटर से रिलेटेड होगा, और वो मिक्स होगा। ठीक है, वो मिक्स होगा इन दोनों का। तो यहाँ देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग आर बेस्ड ऑन द नंबर और न्यूमेरिकल। ठीक है, ये क्या होगा कि इन नंबर्स और न्यूमेरिकल कोई भी, मतलब सपोज मान लो 196 दे देगा, इसका कोड दे देगा कुछ, ठीक है, उसको लेटर में दे देगा, या फिर किसी भी तरह का एक पैटर्न दे देगा आपको जो नंबर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो गिवन सम स्पेशल पैटर्न विच लुक्स लाइक सम कोड्स, उसको ऐसे कोड में कन्वर्ट किया रहेगा ये। ठीक है, जो कि एकदम देखने से लगेगा कि वो सेम एज इट इज है, पर वो ऐसा होगा नहीं। यू हैव टू लुक एंड एनालाइज, आपको एनालाइज करना होगा अच्छे से देखकर, तब उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना होगा। द फर्स्ट यू हैव टू लुक द बोथ लेटर एंड कोड एंड नोटिस द न्यूमेरिक डिजिट। आपको क्या करना है कि पहले एनालाइज करना है कि वो लेटर में है या फिर न्यूमेरिक है। ठीक है, देन आपको आपको डिसाइड करना है कि इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज होगा दोस्त, तो आप लोग कॉमन सेंस का भी यूज कीजिएगा, और पैटर्न के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न क्वेश्चंस के साथ दिया रहेगा वही आपका आंसर के साथ भी होगा। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और है और आप उसका आंसर किसी और पैटर्न में दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब इसके बाद। देखिए एक क्वेश्चन है, हमने इसे सिलेक्ट किया था कि ए डी डी ए को कोड किया इनने। देखिए मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी दे रखे हैं, आप लोग प्लीज इसे, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा इंग्लिश, या फिर उनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, या फिर आपको जो भी एग्जांपल होगा वो बताया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ए डी डी ए को कोड किया इनने 5885 से, और देखिए एक और आपको दिया इनने PEN, पेन कोड कोड किया है ने 147 से। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में कि EDEN को किससे कोडित किया जाएगा, यानी किससे, किस भाषा में इसको किस परिभाषित किया जाएगा, कैसे परिभाषित किया जाएगा हिंदी में बोले तो। तो देखिए ये जो नंबर और न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, ये जो नंबर और न्यूमेरिक वाले होते हैं उनको उनके साथ ही डिनोट कर दिया है, या फिर करेगा या फिर होगा। ठीक है, तो देखिए ए को डिनोट किया है इसने 5 से, तो ए जो होगा वो 5 से ही डिनोट होगा, कहीं भी रहे पूरे पैटर्न में। डी को डिनोट किया है 8 से, तो देखिए यहाँ भी 8 से ही करेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन में देगा कभी कि यहाँ डी को 7 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया, ऐसा नहीं करेगा। अगर डी मान लो यहाँ भी दिया रहता तो इसे भी डिनोट करता है इसे 8 से ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिछली स्लाइड में मैंने पढ़ा कि लुक द बोथ लेटर एंड कोड नोटिस द न्यूमेरिक डिजिट कोडेड टू दैट अल्फाबेट। ठीक है, उस अल्फाबेट को वो कोड करेगा। ठीक है, वो नंबर, ठीक है, आप बस इसे पैटर्न को समझिएगा कि कैसे बन रहा है। चलिए देखते हैं। तो PEN को कोड किया इसने 147 से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि EDEN को किससे नोटिफाई करेगा या फिर कोडिट करेगा। ठीक है, तो देखो E कहीं दिख रहा है इन दोनों में आपको, हाँ तो दिख रहा है, तो E को कोड किया इसने 4 से, तो यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, D को कोड किया इसने 8 से। ठीक है, फिर E आया तो E को कोड किया 4 से, और N को यहाँ कोड किया इसने 7 से। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
ई डी ई एन को आपने कोड किया है 4847 से, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आपको? अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं कुछ नए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इन द सर्टेन कोड 157789 को कोड किया इसने एक्स टी जेड ए एल से, और 2346 को कोड किया इनने एन पी एस यू से। तो पूछ रहा है कि ये जो 23549 है, 23459 जो है, इससे इसका कोडिंग क्या होगा, ठीक है, इसे किससे कोड किया जाएगा, 23549। ठीक है, तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि लेटर से कोड करेगा न्यूमेरिक को, और यहां पे क्या पैटर्न बन रहा है कि न्यूमेरिक को कोड कर रहा है अल्फाबेट से, यानी लेटर से, ठीक है, अल्फाबेट से। तो सेम पैटर्न करना है अपने को, यहां भी कोई अलग नहीं है। देखो वन को डिनोट किया इसने एक्स से, तो अगर ये वन कहीं भी आएगा तो वो एक्स से डिनोट होगा, वैसे वन नहीं है। देखो फाइव को नोटिफाई किया है टी से, तो अगर फाइव यहाँ है, देखो क्वेश्चन में फाइव है तो यहाँ पे हो जाएगा टी, ठीक है। और देखो सेवन को नोटिफाई किया है जेड से, तो सेवन कहीं नहीं है वैसे तो, ठीक है, क्वेश्चन में भी नहीं है, कोई बात नहीं। एट को नोटिफाई किया है ए से, तो एट भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में, इधर भी एट नहीं है। इस पैटर्न को भी मिलाते चलना अपने को, क्योंकि ये पैटर्न अगर अलग हुआ तो ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नाइन को डिनोट किया इसने एल से, तो नाइन है अपना यहाँ पे एल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचे हमारे पास 2, 3 और 4, तो 2, 3 और 4 यहाँ से हमें मिल जाएंगे इस पैटर्न से। तो 2 को नोटिफाई किया है N से, 3 को P से और 4 को S से, तो इसे ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत इजी आता है क्वेश्चन दोस्त, आप लोग प्लीज इससे देख कर नर्वस ना हो, क्योंकि यहाँ से नंबर उठाना बहुत इजी है, 4 से 5 नंबर आराम से आप उठा सकते हो। बस यही है कि आपका प्रैक्टिस बढ़ाना होगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को बहुत सारा बुक्स है अवेलेबल मार्केट में, आप लो और वहां से कम 2 से 3 चैप्टर तो इनके सॉल्व कर जाओ, ठीक है, ताकि जो एग्जाम में आपको ये सामने जब भी ये क्वेश्चन आए तो बहुत ही इजीली आप इसे बना के खत्म कर दो, ठीक है, बहुत इजीली। यहाँ से आपको 3, 4 या 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे एग्जाम में, श्योर एंड शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चन करने से अच्छा है कि इजी करें और सही करें, ठीक है, टफ करने से ज्यादा अच्छा है कि इजी करें और सही करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि वहां पे आप ऑनलाइन, एक तो एग्जाम हो रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वहां पे आपको पता नहीं चलता कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो पहले सर्च कर लें कि यहाँ से क्वेश्चन है कि नहीं, फिर उसके बाद आप इजी क्वेश्चन ढूंढें, इजी क्वेश्चन ढूंढने के बाद आप उसे सॉल्व करें, ताकि वो आपके कंफर्म जो नंबर है वो दे सके आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो ये है आपसे रिक्वेस्ट, आप इसे प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका सेम है, पर इसमें देखते हैं क्या किया इनने। देखिए सिस्टर को कोड किया है इस नंबर से, ठीक है, अंकल को कोड किया है इस नंबर से, और बॉय को कोड किया है, देखिए यहाँ पे ना ये तीन पैटर्न दिया इनने। तो बोल रहा है कि आर यू एस टिक, तो स्टिक को किससे कोड किया जा सकता है, तो हमें सबसे पहला जो काम है वो है इनमें ढूंढना कि इसमें सब में किसमें, देखो सारे वर्ड में से एक ना एक मिलेगा। देखो बॉय से रिलेटेड जो है ना, इसमें ये मिलना ही नहीं, कोई देखो बी ओ वाई, तो बी ओ वाई इसमें है ही नहीं, तो हमें जो जरूरत है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिस्टर है, इसको कोड किया है इससे, ठीक है। तो देखो आर को कोड किसने किया, देखो पहले हम सबसे पहले आप ये कर लो,
सिंपल से ऐसे उतार लो, ठीक है, 5 3 5 3 0 1, ठीक है अंकल अंकल, ठीक है इसको कोड किया है 8 4 6 7 0। अब देखो ध्यान देना, R से रिलेटेड कौन है तो 1 है, U से रिलेटेड कौन है तो देखो 8 है, ठीक है ऐसे ढूंढना है, ढूंढ के आपको इसका आंसर देना है। ये हो गया 5, S से रिलेटेड 5 है, देखो यहाँ भी 5 दिया इनने, ठीक है। अब देखो T से रिलेटेड कौन है, T है यहाँ पे 3 और I है आपका 3, तो देखो T और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है T और I का कॉम्बिनेशन 3 ही है, S I S, ठीक है T से 3, E का हो जाएगा 0 और E का हो जाएगा 0, ठीक है और ये 3 3 हो जाएगा और C का हो जाएगा 6, ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 5 3 3 6, दिस इज योर आंसर। जब भी आपको क्वेश्चन में किसी भी लेटर का सेम कोड करके दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें एक ही पूछेगा, मैंने आपको पिछले भी बताया, या तो नहीं पूछेगा या तो सेम पूछेगा या तो उस क्वेश्चन में रहेगा नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और बाकी आंसर आपका आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है और सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमें आपका साथ मिल सके और हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उस वीडियो में देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड रहेगा वो, ठीक है वो कोडिंग से ही डिकोडिंग से ही रिलेटेड रहेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि मिक्स वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक वाले मिक्स होंगे, और एक पैटर्न है इसका लेटर्स वाला, लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है तो वो इन तीनों पैटर्न से मैं आपको क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन दूंगा अपने वीडियो में, तो आप उसे देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।